ये पास्ता बनाया ना तो आपने सारे पास्ते भूल जाने हैं। हमारी टमाटर सॉस, क्योंकि आपको स्वाद ही बड़ा आना है। ऐड करेंगे हम अपना ग्रिल चिकन। अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ जी, पता तो लग गया की बन रहे हैं। पेने अराबियाता सॉस, समझ आई? अराबियाता, लेट्स डू इट। सबसे पहले हम इन फूलों को निकालेंगे, ठीक है? उसके बाद हम कट्स लगा देंगे सेंटर में कुछ इस तरह, ताकि इसका जो छिलका है वो आसानी से पील हो सके। डन सर। उसके बाद हम इसको बॉइलिंग वाटर में ऐड कर देंगे। अच्छा, एक और मजे की बात बताऊं, अगर ये पास्ता आपको बनाना आ गया ना तो आपने क्रीम वाले पास्ते भूल जाने। दो तक मैंने ले लिया गार्लिक, गार्लिक को आपने ऐसे पील कर लेना है और उसके बाद आपने इसे चॉप कर लेना, ठीक है? ये हमारा गार्लिक हो गया। अब हम करेंगे अपना अनियन चॉप। अनियन को चॉप करने का तरीका मैं कई दफा था, वैसे अनियन से याद आया और आई हूँ। सुनाओ, सेहता तबीयत ठीक है? ठीक है, अनियन को चॉप करने का तरीका मैं आपको कई दफा बता चुका हूँ, ठीक है? ठीक, याद रहे आपकी जो नाइफ है ना वो तेज होनी चाहिए। वैसे वो शायर कहता ना कि परदेस ही खुशी होंगी है जदू लभ जे सानू ग्राई, ते प्यास जदू होवे किस तरह याद ना आए सानू अराई। देख रहे हैं बड़े आराम से जो है ना इसका छिलका उतर जाएगा, देख रहे हैं। टमाटर आएगा, किन्नू नहीं आएगा, ठीक है? ठीक है जी, ये आ गए टमाटर इसके अंदर, ठीक है? और ये आ गई हमारी ड्राई रेड मिर्चें। अच्छा, ये इसके कलर को भी अच्छा करेंगी और जो थोड़ा सा स्पाइसी टच देंगी ना, यकीन करें स्वाद आ जाएगा। और चल, और ये रह गया हमारा चिकन, जिदे बगैर थोड़ा दिल नहीं लगता। दिस इज नून एंड दिस इज पेपर। थोड़ा सा डालेंगे इसके ऊपर ऑयल, आप बटर भी यूज कर सकते हैं। अब हम लेंगे गार्लिक एंड अनियन। हमारा गार्लिक आ गया, अनियन ऐड कर दे। हियर वी गो। थोड़ा सा डालेंगे हम सॉल्ट एंड दिस इज हमारी टोमेटो। ठीक हो गया जी, इसको हम अच्छे से कुक करेंगे। थोड़ा तो सा पानी लगाएंगे इसको ताकि टमाटर हमारे से ना अच्छे से कुक हो जाए। देखिए, अब ये टमाटो पेस्ट, ठीक है? अब ये हम रेस्टोरेंट्स में क्यों यूज करते हैं, ठीक है? ये इसलिए यूज करते हैं जिससे कलर अच्छा आ जाता है, ठीक है? और फ्लेवर दो चार हाथ आगे चला जाता है, ठीक है? हाफ खाली टमाटर भी यूज कर सकते हैं, अगर आप ये नहीं यूज करना चाहते तो नो प्रॉब्लम, ठीक है? लेकिन अगर आप यूज करेंगे ना तो मजा आ जाएगा। 1 टेबल स्पून हम टमाटो पेस्ट ऐड करेंगे, इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स। बस और पानी लगाएंगे और अब हम आते हैं अपने स्पाइसेस के ऊपर। ब्लैक पेपर, थोड़ा सा ओरिगेनो, आप इसमें फ्रेश बेजल भी यूज कर सकते हैं। मैं यूज कर रहा हूँ बेजल लीफ, ठीक है? आपको इस तरह का पैकेट कहीं से भी मिल जाएगा, ठीक है? क्योंकि इस अराबियाता सॉस का जो है ना मेन पॉइंट है, दिस इज बेजल, ठीक है जी? अगर आपने वो टमाटो ब्लेंड करते हुए चिलीज ऐड नहीं की तो आप इसके अंदर क्रश चिली ऐड करेंगे हाफ टी स्पून, क्योंकि ये जरा स्पाइसी अच्छा लगता है। सॉस हमारी देखें बेहतरीन किस्म की रेडी है। सबसे पहले हम चिकन को इसके अंदर ऐड करेंगे ताकि जो है ना हमारा चिकन सॉसी हो जाए। चिकन को अच्छे से सॉस लगाएं, उसके बाद आपने इसको दोबारा इसके ऊपर ग्रिल कर देना। जी, हमारे पास पहले पास्ता पड़ा हुआ है, इसके अंदर ऐड करेंगे पास्ता। थोड़ा सा नमक चेक करेंगे, थोड़ा सा नमक। जी फिर ओ जो चौकस ते कर लो फोकस, ते वैसे इंक्लूडिंग माए अम्मा जान, जिन हजरात को ये पैन देख के कुछ हो रहा है ना, ते अर्ज कीता है कि प्यार लबना चाहिए भावे फुप्पी होवे या हाला, स्वाद आना चाहिए पैन भावे चिट्टा होवे या काला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लुक एट दिस। मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ, अगर आपने ये पास्ता बनाया ना तो आपने सारे पास्ते भूल जाने हैं, क्योंकि आपको स्वाद ही बड़ा आना है।
ऐड करेंगे हम अपना ग्रिल चिकन। रास्ते की आप आनियां जानियां देख रहे हैं और लास्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंटली चॉप पार्सले। वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं करें, इस रेसिपी को ट्राई लाजमी करना है आपने, ठीक है ना, ताकि आपको भी स्वाद आए। मैं आपको बताता हूँ इसका स्वाद। इसके ऊपर अगर आप चीज़ डालना चाहते हैं, लेकिन मेरे नहीं ख्याल, पार्मेसन चीज़ ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरे नहीं ख्याल से आपको चीज़ ऐड करनी चाहिए, क्योंकि ये स्पाइसी चिकन अरबियाता पास्ता ने आपको स्वाद करा देना। ओह माय गॉड, कमेंट्स में जरूर लिखें कि आपका बेस्ट पास्ता कौन सा है। वीडियो को शेयर करें। और मैं आपको बताऊं कि मैं एक ता लै रहा हूं, एक और ताकि तुम तुम भुख लग। ओए ओए ओए।